सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में राग मालकोंस पर एक बहुत ही प्यारी चेंटिंग हम लोग देखेंगे। ओम नमः शिवाय, आप लोगों ने इस चेंटिंग को सुना है और कई सारे अलग अलग अंदाजों में आपने सुना होगा। क्लासिकल अंदाज में भी आपने सुना होगा, लाइट म्यूजिक में भी आपने इसको सुना होगा, इस कंपोजिशन को। बट आज मैं आपको स्पेशली राग मालकोंस में इस चेंटिंग को मैं बताने वाला हूं। और एक चेंटिंग ही नहीं है, इसको एक भजन के रूप में भी आप लोग गा सकते हैं, क्योंकि इसमें भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है या 12 उनके नाम है, कई सारे उनके नाम हैं, उसमें से कुछ जो 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित उनके कुछ नाम हैं, उनको हम इस कंपोजिशन में, इस धुन में गा करके देखेंगे और एक भजन का रूप देंगे हम इस चेंटिंग को। तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए, क्लासिकल अंदाज में आप लोग इसको गा सकते हैं। अभी महाशिवरात्रि आने वाली है तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही इस चेंटिंग को एक भजन के रूप में मैंने तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। पूरे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में पूरे इस चेंटिंग को एक भजन के रूप में आपको मैं ताल के साथ गा करके बताऊंगा और राग मालकोंस का भी पूरा जो इफेक्ट है, कुछ स्वर संगतियां हैं, वो भी आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारी कंपोजिशन और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्केल। डी शार्प से आपको बता रहा हूँ बजाने का अंदाज और गाने का अंदाज, काली दो है डी शार्प पे। डी शार्प इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको यदि आप थोड़ा सा ऊपर गाएंगे, मतलब काली एक थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, आप चाहे तो काली एक से भी गा सकते हैं, शी शार्प से भी, क्योंकि स्वर में आपको दूंगा ही। और तार सप्तक में ये कोमल गंधार तक इसको आप ले जा सकते हैं। तो यदि आपकी रेंज यहाँ तक है तो आप फिर इसको काली दो से गा सकते हैं। यदि कम रेंज है तो आप काली एक से भी गा सकते हैं, यदि फीमेल है तो काली पाँच से भी गा सकते हैं। स्वर संगति में आपको बताऊंगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राग मालकोंस के स्वर देखते हैं। तो आपको पता है राग मालकोंस में गाधानी कोमल प्रयोग होता है, बाकी सभी शुद्ध होते हैं। टोटल इसमें 5 स्वर लगते हैं, सागा माधा नीसा। पहले कई सारे भजन राग मालकोंस में आपको बताए हैं, जिनके लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो हर वीडियो में मैं कर रहा हूँ, आप लोगों में से कई सारे लोगों का कहना था कि एक चैनल ऐसा भी बनाया जाए जिसमें आप मेरे द्वारा गाए हुए भजनों को सुन सकें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं सिखाता हूँ। तो मैंने एक चैनल और बनाया, उसमें आप मेरे द्वारा गाए गए भजनों को सुन सकते हैं, गीतों को सुन सकते हैं, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सभी गीत 1x1 उस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है। चैनल का नाम है ईश्वरीय संगीत और वाकई में उसमें आपको ईश्वरीय संगीत ही सुनने को मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर देखते हैं। तो इसके लिए दिशा ले रहा हूं, अच्छे से सरगम को बजा लें और सारे गामा पद ऐसा कहाँ पर है काली दो के हिसाब से, ये आपका फॉर्मूला मैंने पहले दिया हुआ है। तो इस राग में गाधानी कोमल प्रयोग होता है, तो ये सा हो गया, ये रे हो गया, ये कोमल गा यहाँ पे, फिर मा, फिर पा वर्जित है, फिर कोमल धा, फिर कोमल नी और सा, ठीक है। तो आपका सप्तक बन जाएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मा से लेना है, मा 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 गा गा मा धा मा गा सा सा नी गा सा नी धा नी सा गा।
नमः शिवाय मामा ओम मगा नमः गमा शिवाय दमगसा हरे हरे सनी गसा भोले निधनी नमः शिवाय सगा गामा। ये निर्देशन है, फिर से देखिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओके, अब इसी लाइन के ऊपर गाना है आपको, जहां पे आपको अंतरा गाना है, लेकिन उसके पहले इसी लाइन के ऊपर गाना पड़ेगा। कैसे? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गमा मधाय धनी सा 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 नी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गमा मधाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दूसरी बार गाएंगे तो एक गा भी आप शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग एक इफेक्ट आपको मिल जाएगा। फिर से देखिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय में कोडिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे कोड बन रहा है। अब इसी को एक अंतरे के रूप में आप गाएंगे इसी लाइन को, तो एक शब्द आप चेंज कर देंगे, जो शंकर जी का नाम है, कई सारे नाम है उनके, उसमें से एक नाम जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे। गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय के जितने भी अंतर हैं इसी नोटेशन पर आपको गाना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। आइए पूरे गीत को ताल के साथ देख लेते हैं। केरवा ताल में आप इसको गा सकते हैं और टेम्पो 190 में ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और आप इसको पहली मात्रा से शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय
कृष्णेश्वराय शिव कृष्णेश्वराय।